त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और सत्संग के साथ साथ लंगर की विशेष व्यवस्था है। इस त्यौहार को खुशहाली और समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी हैं और सभी के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की है। और मुनीश पुंज से और चरणजीत कठुआ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। मुनीश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, बैसाखी का पर्व आज है और बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। फसलों की कटाई आज से शुरू होती है और ऐसे में गुरुद्वारों में विशेष सत्संग कीर्तनों का आयोजन किया जाता है। किस तरह से पुंज में बैसाखी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है? जैसे मैं इस समय पुंछ के सबसे प्राचीन डेरा संतपुरा नंगाली साहब में, जहां सदियों से जो है बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सिखों के साथ अन्य धर्मों के लोग भी यहां पर आस्था रखते हैं और यहां शामिल होते हैं। और इस समय जो है गुरुद्वारों में जो अखंड पाठ चल रहे थे गुरु ग्रंथ साहब के, वो उनका भोग बढ़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि संगत जो है सुबह से यहां पर आ रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे संगत की संख्या बढ़ेगी और यहां पर हर वर्ष जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और उसमें जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, हरियाणा और नेपाल से भी लोग जो है यहां पर आते हैं, क्योंकि ये पुराना डेरा है और यहां पर काफी लोगों की आस्था है। यहां पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो अपनी ड्यूटी के लिए यहां पर जा रहे हैं और यहां पर जो लोग हैं वो अपने पूरा जो है श्रद्धा के साथ आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आना जाना होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि इस डेरे को लेकर जिस तरह का कितना प्रचलित डेरा है और यहाँ पर जो है कहाँ से लोग आते हैं उनसे बात करेंगे कि वो बताएंगे हमारे साथ हैं। यहाँ पर जानकार यहाँ के प्रोफेसर नामा सिंह जी वो बताएंगे कि किस प्रकार जो है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और किस प्रकार का इस डेरे का इतिहास है। सर बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज खालसा दिवस, खालसा सिरजना दिवस, जो 325वां दिन शिरोमणि डेरा नंगाली साहब विखे बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। याद रहे कि यह डेरा जम्मू कश्मीर का केवल ते केवल एक इतिहासक डेरा है, जेड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के तीन महापुरुष संत फेरो सिंह, संत पंजाब सिंह अते संत रोचा सिंह जी महाराज, जो गुरु गोबिंद सिंह के कर कमलों तो अमृत छक के इस पहाड़ी इलाके विच उन्होंने भेजा गया कि इस इलाके विच सिखी का प्रचार ते प्रसार किया जाए। अज तक इस डेरे ने इस जम्मू कश्मीर च सिखी का इन्ना प्रचार किया कि इतों के वरसाए प्रचारक जड़े न वो सारे हिंदुस्तान विच हर थां ते बड़े बड़े शहरां विच जड़े न वो अपनी रोटी रोजी कमाण दे नाल नाल इस डेरे की प्रसिद्धता अते महत्वपूर्ण थां जड़ी है वह प्रचार करदे न। इस वेले इस डेरे दे 13वें मुखी महंत मनजीत सिंह जी मुख सेवादार दे तौर ते वो कम कर रहे न। अज इत्थे सारे हिंदुस्तान तो वख वख शहरां तो जम्मू कश्मीर दीआं संगतां बड़ियां हुम हुमा के दर्शन करन वास्ते आईआं हन और इत्थे देरी साहब संत भाई मेला सिंह जी हस्तियां दे दर्शन अमृत वेले तो करके हुण इत्थे कीर्तन दरबार शुरू होएगा और इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन का जिहड़ा पूरा सहयोग जिहड़ा संगतां नूं मिलदा है भरपूर और मैं सारियां संगतां दा इस डेरे वालों जी आया कहिंदा हाँ अते असी जिहड़ा आस्था रखी हुई है मनोभावना रखी हुई है इस डेरे विच श्रद्धा पूर्वक जो भी आउंदा है वह मन भावनियां श्रद्धावां उन्हां दीआं जिहड़ियां मन्नतां पूरियां होंदियां अते इसे तरह जिहड़ा इस डेरे का रहिंदी दुनिया तक प्रचार जिहड़ा वह हुंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुनीश, लगातार बने रहे हैं। और चरणजीत कठुआ से हमारे जुड़े हैं। चरणजीत कठुआ में किस तरह से बैसाखी का पर्व आज मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल जसमीन, बता दूं कि जिस तरह से नवरात्रे चल रहे हैं, आज पांचवां नवरात्रा है, यहाँ मंदिरों में
श्रद्धालुओं की धूम है, सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बता दूं तो बैसाखी का त्यौहार भी जो है कठुआ में हर्षोल्लास धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में सुबह से ही जो है सिख भाई माथा टेक रहे हैं, अपनी दुआएं मांग रहे हैं, और जिस तरह से सिख धर्म के नववर्ष की शुरुआत आज से है और फसल कटाई का दिन जो है आज से शुरू होता है माना जाता है ऐसे। और इस तरह से अगर बात करूँ जिला कठुआ की तो यहाँ पर गुरुद्वारों में भी रौनक जो है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ जो है मुख्य समारोह जो है इस रामलीला मैदान में इस समय मैं खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अभी जो है मेले की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, जो बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर इस मेले का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर अपने जो स्टॉल यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लगे हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे जानते हैं क्या इतिहास है, कब से ये मेला हो रहा है और कितना महत्वपूर्ण रहता है भाईचारे की दृष्टि से। जी के ना, क्या नाम है? बलवंत जी। बलवंत जी, किस तरह रहता है ये मेला? मेला बड़ा अच्छा होता है जी, और ये त्यौहार यह है वो ये फसल कटाई पर होता है। पहले इधर बौली पर लगता था बाग में, अब कोई 40 साल से इधर लग रहा है। तो बाकी गन्ने की जूस की परमानेंट रेडी इधर लगता है गन्ने की जूस में, और दुकानदार आए हुए हैं। और क्या बोलना, तो सभी आते हैं और भी धर्मों के लोग? हाँ जी हाँ, सब यहाँ पर हर धर्मों के लोग आते हैं मिलजुल कर। हाँ, कोई 3-4 बजे का शुरू होगा जी मेला जी। बिल्कुल, जिसमें जिस तरह इन्होंने बताया कि मेला जो अभी शुरू अभी पड़ाव में है और धीरे धीरे लोग जो हैं यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इस मेले का इम्पैक्ट बताऊं तो ये मार्केट पर भी पड़ता है। यहाँ करीब हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं अब धीरे धीरे आना, जिस तरह से आज छुट्टी का भी दिन है तो आम लोग जो हैं वो जो मुलाजिम है वो भी कोशिश करेंगे बच्चों के साथ यहाँ पहुँचने की, तो काफ़ी रौनक जो है दोपहर बाद यहाँ देखी जाती है। कुछ लोग यहाँ पर पकवान बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से? अश्विन कुमार रोड, जामन सिंह, पंजाब से। पंजाब से आए? हाँ जी। तो कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? काफी देर से आ रहे हैं जी। तो किस तरह का रहता है यहाँ पर व्यापार, देख कितना इंतजार रहता है आपको? व्यापार होता ही है, बैसाखी का त्योहार होता है और साल बाद आता है जी जी। तो हर साल आते हैं? हाँ जी हाँ जी, हर साल। रौनक होती है यहाँ पर? रौनक ठीक हो जाती है जी, पहले तो काफी ज्यादा होती थी, अब तो माहौल के हिसाब से कम होने लगी है। कम हो गई। ठीक है ठीक है चरणजीत, यानी धूमधाम से कठुआ में भी बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं, दुकानें सजाई गई हैं, और लोग यहाँ पर खुशी से गुरुद्वारे में सत्संग सुनने आते हैं और फिर इन दुकानों पर भी विजिट करते हैं। बहुत शुक्रिया चरणजीत और मुनीश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।